देखा पिछले वाले ब्लॉग में, अब हम तो ले आया तो मैं भाई ये वाला बैग खाली करके लेके जा रहा हूँ। इसमें लेके आऊंगा फिर बम और लेने जा रहा हूँ। सारे जितने भी बम है इन सबकी टेस्टिंग वीडियो मिलेगी। बहुत भीड़ है भाई, बहुत ही। देखो यहाँ पे हमारे साथ एक दिक्कत हो गई है, ऐसा कि पेट्रोल किसी ने निकाल लिया है और अभी पेट्रोल हमारा आधे रास्ते में खत्म हो चुका है। ये ओरिजिनल नाजी के डब्बे भाई, क्रैकलिंग अनार, सायरन वाले अनार। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। आज करवा चौथ का दिन है, मम्मी का व्रत चल रहा है, मम्मी तैयारी कर रही है कथा की। तो भाई आपने देखा पिछले वाले ब्लॉग में, अब हम तो ले आया तो इकट्ठे में भाई ये वाला बैग खाली करके लेके जा रहा हूँ। ये फोड़े भाई, ये तो बेकार नाजी, खाली करके लेके जा रहा हूँ भाई। इस लेके आऊंगा फिर बम और लेने जा रहा हूँ। इसको खाली करते हैं फटाफट, बैग हो गया खाली, ये निकालते बम, अब इसको लेके चलते हैं। ये भी खाली कर देता हूँ, सोचता हूँ फिर वहाँ जाके अपना इसको ले लेंगे अगर कम पड़ेगा तो। वैसे वो कट्टा दे देंगे अपने पास से। चल गया, मैंने सामान ले लिया, पहले मैं इसके पास चलता हूँ फिर वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ ब्लॉग। तब वो चला लेगा स्कूटी, मैं चला लूँगा कैसे भी, तो अभी एडजस्ट करते सामान फिर निकलते हैं। चलो भाई वेट कर रहा हूँ जरा, उसका आ जाए एक बार, आ जाए फिर चलते हैं भाई लेने जरा बम। ऐसे हो रहे हैं भाई बाल एकदम फटाफट रेडी हो उठे। चले भाई, चलो भाई, चलो चलाएगा स्कूटी, चलो भाई दे के आते जरा बम बढ़िया से। हैं चलो 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 भाई, पहला स्टॉप हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप। भाई आ गए, पेट्रोल डला के सीधा निकलते हैं गुड़गांव की ओर। अगला स्टॉप नागपाल एंसेंस, चलते फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है भाई? चलो भाई चलो। ओके भाई, तेल लगाना चाहिए, राउंड फिगर में तेल डलवाया है, राउंड फिगर में डलवाया हमने, 252 का डलवा रहे हैं हम। बिल्कुल है भाई, इससे टाका नहीं लगता भाई। तेल डन, अब सीधा आपको वहीं मिलेंगे हम, कहाँ पे? गुड़गांव। पहुंच गए एक घंटे बाद, कितनी भीड़ है देखो यहाँ पे, कितनी भीड़ है भाई, सारे पटाखों के लिए लगे हैं। वो देखो पीछे लगे ना पटाखे पटाखे, कितनी भीड़ है। बस भाई स्मार्ट लग रहा है यार, चल बहुत भीड़ है भाई बहुत ही। देखो अरे भाई क्या हो रहा है ये भाई, लूट मच रही है, ऊपर से बम बम फेंक रहे हैं अंदर तो भैया, बुरी हाल है भाई। ये तुम क्या करके खड़े हो भाई, ये अंदर घुसते ही सिस्टम कर देंगे भाई। भाई इतनी भीड़ है, देखो पसीने पसीने हो गए, सामान मिल गया भाई, जाने कितनी भीड़ है भाई, भाई बहुत भीड़ है। देख रहे हो भाई कितनी भीड़ है यहाँ, कैसे वीडियो बनाते, सामान ही देखना था अभी तो भाई, सामान उसके बाद नहीं हुए, इतनी भीड़ है वैसे क्या। बम ले लिए, बैग करा लिए, करा दिया बिल। भाई कितने देर लग गई यहाँ पे भाई, हमने सोचा नहीं कितनी देर लगेगी, हमने सोचा था भाई। एक तो प्यास से इतना टूटे पड़े हैं ना, इतनी प्यास लग रही है, ऊपर से बैग टांग टांग करते हैं, थक गई भाई। ओ भाई लविश हालत खराब है भाई, हालत खराब है भाई, ये जो गिने चुने पंखे लग रहे हैं ना ऊपर, ये ना हो तो भैया बंदा मर जाए अंदर। थक गए भाई, थोड़ी देर बैठ के ऐसे निकलेंगे बाहर, मिलते हो आपको यार। चलो भाई ले तो ले बम और स्कूटी की हालत देखो भाई, धूल मिट्टी अभी खड़ी करके गए हैं 1.5-2 घंटे पहले, ये देखो भाई इतनी धूल। भाई भाई घर चल के दिखाऊंगा यार, इतनी धक्का भीड़ मारती ना भाई, तो मेरी भैंस भी हो गई थी। चलो चलते भाई, इसको लेके अभी तो घर लेके जाना टास्क है भाई। इसको पानी के ब्रेक के लिए रुके हैं अभी, यहाँ तो नहीं पहुँचने जाना था, पानी मैंने कहा आगे पी लेंगे। जाना है वॉशरूम? नहीं छोड़ो, चलते चलो भाई, बस 40 मिनट का रास्ता और बचा, फटाफट कर खींच देंगे, उसके बाद दिखाऊंगा आपको बम क्या लिया है क्या नहीं, ठीक है भाई? भाई थोड़ी आगे रुक के लिए, पानी का ब्रेक लिया थोड़ी आगे भाई, अब पीते जरा, तब से कुछ किया नहीं, तब से बस खड़े ही हैं, धूल मिट्टी खा रहे हैं और भीड़ लोगों का धक्का खा रहे हैं, यही हो रहा है भाई इतनी देर से। तो अब आधे घंटे का रास्ता और बचा है बस, फिर घर को लगा देंगे गाड़ी। भाई हमने तेल डलाया था,
या तो वहाँ खड़े खड़े किसी ने निकाल लिया भाई, निकाल लिया है भाई, निकाल ना, नहीं तो फुली थी, इतना कितना तेल लग जाता यार, इतने से खाली थी बस ये ऊपर से पूरा पूरा भाई, देखो ना पूरा सूख गई है, देखो चलो रास्ते में डलाना पड़ेगा तेल, अभी डलाना पड़ेगा, चलो चलते भाई थोड़ा 5 मिनट बैठ के फिर निकलेंगे। यहाँ पे हमारे साथ एक दिक्कत हो गई है, हमने भी आपको दिखाया था कि पेट्रोल किसी ने निकाल लिया है और अभी पेट्रोल हमारा आधे रास्ते में ख़त्म हो चुका है और अभी हमें ना पूरा रॉन्ग जाना पड़ रहा है पेट्रोल पंप के लिए पैदल। भाई पूरी टंकी से अगर इस पेट्रोल क्या सीन था, हमने उसको बोला कि भाई इसको काट दे, टंकी से पेट्रोल गिर जाएगा, इतनी टंकी भराई थी फुल एकदम, और वहाँ पता नहीं भाई अब पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं, या तो स्कूटी की एवरेज नहीं है बिल्कुल, या भाई किसी ने निकाल लिया, भाई एवरेज की बात नहीं है, टंकी फुल में तो आना जाना पड़ता है यार, आराम से हो जाता आना जाना भाई। भाई 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट, 3 नहीं 4 पॉइंट थे भाई, 4 पॉइंट में ही बताओ बिल्कुल ही क्या यार, पता टाइम बस सिर्फ टाइम ख़राब हो और कोई बात नहीं है, मतलब 15 मिनट और सही घर तो पहुँच जाएंगे, 15 मिनट वापस, 15 मिनट पता नहीं हम कहाँ होते घर के पास, लवेश बेचारा भी परेशान हो रहा है मेरे साथ। अरे नहीं भाई परेशान मैं क्यों हो रहा हूँ, मतलब इसको काम देना भाई, मैं ये बड़े लोग हैं ना भाई, एडिटर है ना, तुमने एडिटर है ना भाई, बड़े 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 हैंडल संभाल रखे भाई बंदे, चलो देखते हैं भाई क्या होता है। तो भाई मैं पिछले 10 मिनट से स्कूटी को धक्का मार रहा था, तो भाई किसी ने हेल्प नहीं करी, पर ये भाई मिले भाई, इन्होंने 100 मीटर तक हमारे स्कूटी को लात लगाई, इनके वजह से भाई हमारा बहुत सारा टाइम बचा, और अगर ये भाई देख रहे हैं वीडियो तो भाई को बहुत बहुत थैंक यू। नहीं चल भाई पहुँच गए भाई पेट्रोल पम्प, वरना अभी तक तो घर होते, अभी तक तो सीने पसीने हो गया भाई मैं, बस और आधे घंटे में घर पहुँच जाएंगे भाई, है ना भाई, पहुँच जाएंगे आधे घंटे में, देखते हैं भाई अभी चालू होती है कि नहीं, करो नहीं भाई। चल भाई लवेश पहुंच गए भाई घर, ले भाई लवेश तेरा सामान खराब करने के बाद, लवेश का सामान है भाई ये, जरा मेरा सामान है निकालो, ये कह रहा हूँ। चलो गाइस तो लवेश को कर दिया ड्रॉप यहाँ पर, चलो भाई तो ये कुछ सामान है घर जाके दिखाऊंगा आपको, ठीक है भाई, ठीक है भाई, चल ब्रो मिलते हैं भाई। पूरे 4 घंटे निकालने के बाद, काम लगाने के बाद भाई आ गया हूँ घर, अब आपको दिखाता हूँ मैं लाया हूँ क्या क्या। सबसे बड़े वाले भाई बोल रहे थे भाई ये चाहिए लो भाई, सीटी वाले रॉकेट बस दो ले, एक और ले ले बुलवा, ठीक है सीटी वाले रॉकेट ये हो गए भाई, पापा और हम सुबह वीडियो में देख रहे थे याद है पापा, तो ये वो लेके आए, ये वाले इसके 2 डब्बे और एक ये डब्बा लेके आए भाई, ये इसमें भी 3 वाले सेम है, और एक चीज और लेके आए भाई वो है ओरिजिनल कॉर्नेशन के ओरिजिनल नाजी के डब्बे भाई, जो बचपन उसमें आते थे डब्बे में वो लेके आए भाई, उसको फोड़ेंगे टेस्टिंग करेंगे आपको दिखाऊंगा, और ये है भाई हमारे क्रैकलिंग अनार कैंस की तरह ऐसे कुछ, इसके भी मैं लेके आया हूँ 1, 2, 3 डब्बे भाई, और एक चीज और लेके आया हूँ भाई, वो लेके आया हूँ मेरे भाई को, कौन से सबसे बड़े वाले भाई को, उन्हें पसंद है भाई सायरन वाले अनार, वो लेके आया हूँ भाई 3 डब्बे, ये बढ़िया वैसे चीज़ तो बढ़िया है, सही आवाज़ करती है सही तेज, और जो लेके आया हूँ भाई वो लेके आया हूँ पैसे वाले अलग अलग दूसरे ब्रांड के स्काई शॉट्स, इन सब में जितने भी स्काई शॉट्स देखोगे आप, जितने भी 3 वाले हैं 5 वाले हैं, उन सब में जितने भी पाइप्स हैं ना 3 पाइप है, सारे अलग 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 ही, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ ये इधर कर, तो आज हम लोग ये लेके आए भाई, भीड़ आपने देखी ना वीडियो बनाने का, समझ लो टाइम ही नहीं था भाई, इतनी भीड़ लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए, क्या बताऊं भाई आपको, वहां तो मेरी भैंस भी उड़ती है गाड़ी से, पहले दिन जैसे भाई मेरा नंबर है मैं वेट कर रहा हूँ अपना कि भाई चल एक बंदा बिल करा रहा है दूसरा बिल करा रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी बारी आएगी मैं भी कराऊंगा भाई, एक बंदा लाइक वो लोग आगे बेचने के लिए बम ले रखे थे उन्होंने कि वो आगे सेल कर देंगे, मगर भाई इतना सारा सामान उसका और मेरा छोटा मोटा सामान, तो मेरे को बोल रहे थे कि भाई तू रुक जा, मैंने बोला भाई मेरा नंबर उसको भी बिल कर रहे थे वो भी तेरे बंदा मेरे से बोल रहे थे, मेरे को भैंस भी हो गई थी, मैंने कहा छोड़ भाई तेरे से कराई मेरा, फिर वहाँ एक सही से भैया थे उनसे बिलिंग कराई, तो मतलब 40 मिनट लगे बिल कराने, तो ये था कुछ भाई आज का, बाकी ये तो आपने पिछले ब्लॉग में देख ही लिया, ये था कुछ आज का स्टैश, और नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा उसमें आपको ये सारे जितने भी बम है इन सबकी टेस्टिंग वीडियो मिलेंगी, अभी मोटा मोटा समझ लो ये 20,000 के बम है, तो सब चीज़ के प्राइस में आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊँगा, ठीक है।
डन।